इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने। आई हैव रीड फ्रॉम लॉट्स ऑफ अहले सुन्नत स्कॉलर दैट आला हज़रत सेड डोंट किस द कब्र, बट इन दिस वीडियो इट्स टोल इन फुल डिटेल दैट सहाबा किस्ट हुज़ूर ग्रेव्स विद रिस्पेक्ट। अहमद रज़ा न्यू दिल्ली से हैं। अच्छा, बहुत सारे बयानात में इन्होंने सुना कि भाई उलमाए किराम बयान करते हैं कि सहाबा जो है ना वो एहतराम के साथ हुज़ूर पाक की कब्र को बोसा देते थे, लेकिन आला हज़रत ने इसको मना फरमाया कि ये बोसा कब्र को यानी मज़ारात पर जाएं तो मज़ार को बोसा देना ये ठीक नहीं है। असल में देखें, कभी कभी वक्त की नज़ाकत भी होती है कि किसी काम को जो किसी वक्त में जायज़ था और किसी ख़ास वजह से उलमाए किराम ने मना कर दिया होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका लॉजिक और कोई ना कोई उनकी वजह होगी। पहला तो ये कि जैसा आपने कहा कि सहाबा इकराम अदब के साथ हुज़ूर पाक की कब्र को बोसा देते हैं, क्या सहाबा इकराम वाला अदब आज के मुसलमानों पर मज़ार पर पाया जा रहा है? आप पहले ये देखें, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो सहाबा इकराम बोसा देने जाते थे वो पंज वक्ता नमाजी और बाशरा हुआ करते थे, लेकिन आज मज़ारात पर आप देख लेंगे कि सारे पहुंचने वाले नमाजी हैं अक्सर ऐसे हैं जो नमाज़ें कज़ा करके जा रहे होते हैं और ना सुन्नतों के पाबंद होते हैं ना शरीयत के पाबंद होते हैं। तो क्या ऐसे शख्स से कोई मज़ार वाला के जो नमाज़ें तो ना पढ़ता हो मगर मज़ार पर हाज़िरी दे, कोई मज़ार वाला उससे राज़ी होगा या उससे खुश होगा या उस बंदे को अपनी नमाज़ों का हिसाब नहीं देना होगा तो क्या उसके लिए कोई आसानी होगी? जब वो इतने बड़े बड़े फ़राइज़ छोड़े हुए हैं, इतने वाजिबात छोड़े हुए हैं, सुन्नतों का तर्क किए हुए, हराम हलाल में फ़र्क जो है बंदा कर नहीं रहा, तो फ़कत वहाँ जाने के बाद वो चूम कर उसको अदब दिखाएगा तो क्या ये अदब उसके फ़राइज़ को पूरा कर देगा या उसके वाजिबात को पूरा कर देगा? तो बंदे के ऊपर जो पहले अपने अहकाम हैं वो उस लेवल का बन जाएगा तो उसको ये चीज़ ख़ुद मालूम चल जाएगी कि सहाबा इकराम का मामला बोसा देने का क्या हुआ करता था, उनका अदब कैसा हुआ करता था। और अदब भी उसी सूरत में होगा कि जब बंदा अपने यानी फ़राइज़ वगैरह को मुकम्मल करके मज़ार पे जाए, अगर मज़ार पे जाने में ही नमाज़ कज़ा हो जाए या मज़ार पे जाए लेकिन नमाज़ बंदा पढ़ता ना हो तो उसमें वो कब्र को चूमने से मना करें तो वो कहता है जी हम तो अदब करने वाले, इतना ही अदब करने वाला होता तो नमाज़ें भी पढ़ता, इतना ही अदब करने वाला होता तो चेहरे पर सुन्नत भी सजाए हुए होता, और अगर इतना अदब करने वाला होता तो फिर घर का माहौल भी कोशिश करता कि नेकी की दावत देने की, बुराई से मना करने की, अगर वाकई इतना अदब होता। दूसरा है कि सहाबा इकराम का जो बोसा देने का तरीका था वो आपने बज़ाहिर तो देखा नहीं है कि उनका तरीक़ेकार क्या हुआ करता था, लेकिन आजकल का जो तरीक़ेकार आप देखते हैं कि क्या होता है कि कब्र के ऊपर लोग पूरे पूरे लद जाते हैं यानी घिरने के लिए तैयार होते हैं कब्र के ऊपर, तो इस तरीके से ये बोसा देते हैं, उसको अदब बताते हैं। दूसरा ये कि आजकल लोगों के बोसा देने के अलावा इल्म की कमी की बिना पर लोग बोसा भी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी कैफियत बिल्कुल सजदे वाली भी हो जाए होती है, और बाज़ तो इल्म की कमी की बिना पर सजदा भी करते हैं। उनमें बाज़ ऐसा होता है 100% ऐसा होता है कि वो लोग कुछ ऐसे होते हैं कि गैर मुस्लिम भी कब्र पे जाते हैं मज़ार की तज़ीम की बिना पर, और क्योंकि उनको अहकाम शरीयत मालूम भी नहीं होते तो इस बिना पर वो कब्र पे कभी कभी सजदा ही कर रहे होते हैं वाकई में, कि वो उनको जैसे किसी भी बाबा की मज़ार पर वो जाते हैं कि भाई हम अपनी मन्नत लेके जा रहे हैं, वो गैर मुस्लिम में सजदा कर रहे होते हैं। अब इससे होगा कि सामने किसी थर्ड पर्सन को देखने में क्या इमेजिनेशन होगा कि ये देखो कब्र के ऊपर जो है ना लोग सजदा करते हैं, और ऐसी ही जो है ना तस्वीर ये वीडियो लोग वायरल करते हैं कि जिसमें सजदा करने वाले मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम इसका भी कोई अता पता नहीं होता। लिबास गैर मुस्लिम भी जब मज़ार पे जाता है तो वैसी ही हुलिया बना के जाता है, वहाँ रखी हुई टोपी वगैरह या रुमाल वगैरह बांध लेता है तो उससे आप पहचान नहीं सकते, तो ऐसी फिर तस्वीरें बद मज़हब जो है ना वो दिखाते हैं लोगों को, ये देखो कब्र के ऊपर सजदा कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है सजदा करने वाला हो सकता है कि भाई कोई गैर मुस्लिम भाई हो, वो गया हो मज़ार पे मज़ार की तज़ीम के लिए, उसको ये चीज़ मालूम ना हो कि वो तो ये देखता है कि भाई सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, उसे पता नहीं कि वो लोग चूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आला हज़रत ने इन सारे आदाब को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को बताया कि आप जो है ना दूर से फातिहा खानी करें, कब्र के ऊपर ना लदें ना उसको छुएँ। और फिर छूने का मामला तो ऐसा है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि हम सहाबा इकराम जैसे पाकीज़ा हैं कि हम कब्र को छुएंगे तो कोई नहीं उन्होंने ये काम किया था, तो उनका मुकाबला ना करें कि जो उन्होंने किया था। फ़िलहाल आपके ऊपर लाजिम ये है कि आप उलमा की बात को माने कि जो आपसे उलमा इकराम ने फरमाया है आप वैसा करें। हाँ, अगर आप ख़ुद हदीस में देख कर या सुनकर ये करना चाहते हैं तो एक अलग बात है,
लेकिन कुछ कब्रों की या मज़ारों की जो है ना वहाँ की कमेटी या रख रखाव का मामला बहुत अच्छा होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सलीके से सारे काम कराए जा रहे होते हैं। तो अगर ऐसा सलीके वाली आपको मज़ार मिले कि जहाँ पर इतना भागा दौड़ी वाला माहौल ना हो, बंदा तसल्ली से बैठकर कब्र की चादर को बोसा देना चाहे, मज़ार शरीफ की जालियों को चूमना चाहे, और वहाँ पर कोई ऐसा यानी इम्कान ना हो बद मजहब का कि भाई कोई देख के ये ना समझे सजदा है, तो वहाँ पे सब काम किए जा सकते हैं। इसी तरीके से उमूमन मज़ारों पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पर मामला दूसरा होता है। इसीलिए ऐसे काम से बचो कि जिससे थर्ड पर्सन को देखने में कोई गलत मैसेज जाए। फिर भी अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि मज़ार को बोसा देता है, उस पर लदता है, तो उसे प्यार से समझा दें, ना माने तो उसका अपना मामला। बाकी ये कि उसको हदीस से मुकाबला करना कि सहाबा करते थे और हम क्यों नहीं कर सकते, तो सहाबा नमाज वगैरह की पाबंदी करते थे, हुजूर के कॉल और फेल को ही अपने लिए अव्वल और आखिर मानते थे। कि आज का मुसलमान भी तमाम सुन्नतों में हुजूर के कॉल फेल को ऐसा ही मान रहा है कि जैसा सहाबा मानते थे, तो उसको ये बात कहने में अच्छी लगेगी कि भाई हम भी वैसे ही करना चाहें। वरना बेहतर ये है कि कुरान ने इस बात का हुक्म दिया है कि इल्म वालों से मालूम करो, अगर तुम्हें इल्म नहीं है कुरान हदीस को उसकी गहराइयों का, तो बेहतर है कि जो हमारे लिए उलमा ने हदें मुकर्रर की हैं शरीयत की, हमें उसको दायरे में रहना चाहिए। दिल वाकई चाहता होगा कि चलो भाई मज़ार पर जाते हैं, चादर चूमें, बोसा दें, लेकिन जब उलमा ने मना कराया, बेहतर ये है कि दूर से फातह खानी करी जाए। तो इसी के अंदर भलाई है कि दूर से फातह खानी करी जाए। बाकी कोई ऐसा ख़ास मज़ार ऐसी कवर हो कि जहाँ पर इतना भागा दौड़ी है, ये सब मामला ना हो, सब चीज़ सहूलियत और सलीके से होती हो, वहाँ पर अगर चादर बंदा चूम लेगा तो इसमें कोई गुनाह नहीं। अलबत्त आला हज़रत ने भी इसको कोई सख्ती के साथ हराम या कुफ्र या शिर्क तो नहीं लिख दिया कि अगर वो कब्र पर बोसा देगा। अदब के लिहाज से लिखा है कि जैसा माहौल देखा उस हिसाब से मामला आया, तो जैसा माहौल बदलेगा उस हिसाब से शरीयत का हुक्म बदलता है। अगरचे हदीस में उसके मुकाबिल मौजूद हो, लेकिन फिर भी हुक्म वक्त के हिसाब से जो है ना वो तब्दील हो जाते हैं। पुरनवार। पुरनवार। पुरनवार।